are looking like a Santa Claus. दिखा इकर ये है सही तरीका रोल खाने का. मेरा विश है सेवियर्स कॉलेज का कैंपस देखने का. बिट्टू भैया के पास डोरेमोन का पॉकेट है. रोल बहुत रोल हो गया. A very good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. So, all of you, hold your tummy tight, huh? Because today's video is going to be full of carbs. Delicious carb. क्योंकि आज हम खाने वाले हैं roll for delicious 24 hours. मुझे पता है बहुत किस्म के rolls हैं, like shawarma roll, spring roll, then wrap rolls. But, आज के इस video में हम classic पराठे roll खाने वाले हैं. Like whenever we go out and tend to order roll, मैं और बिट्टू भैया वी ऑलवेज यूज टू हैव इधर एग रोल ऑर्डर करते हैं या चिकन रोल ऑर्डर करते हैं. बट देयर आर फिश रोल, वेजिटेरियन रोल, अ लॉट ऑफ रोल्स. तो आज इस वीडियो में हम वो सारी इच्छा पूरी करने वाले हैं. सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट इज 20,000. जल्दी से लाइक टारगेट पूरा करो एंड एक रेड कलर का जो क्यूट बटन पॉप अप हुआ उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हाँ हाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो. तो चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं. Oh my god, so my breakfast is ready and my breakfast is egg roll. Yes, I'm starting off my day with great protein and carbs. Trust me when I say this, aisa koi item nahi hai jo mere ghar mein meri mummy papa bana nahi sakte, including me and Bittu bhai. Lol. Sorry. Egg roll. Iske andar we have got that stuffing, caramelized onion and capsicum and mirchi and nimbu and sauces. Yum yum. सबसे बेस्ट मुझे लगता है रोल का रैप अनरोल करना. वाओ यार लुक सो गुड. घर का पराठा एंड आप देख सकते हो जो अंडा, दिस लुक सो गुड, सो फ्लफी एंड सो वाइट, लाइक क्लाउडी फ्लफी. डबल एग का रोल बनाया तो आप देखो अंडा कितने अच्छे से, कितने ब्यूटीफुल तरीके से बाहर निकल आया पराठा. नाउ दिस मेक्स मी फील सो टेंटेड. चलिए खाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते. अभी ऐसा फ्लेवर नहीं है क्योंकि ऊपर तक मसाला नहीं है ना, इसलिए तो मैं क्या करती हूँ मसाला को थोड़ा ऊपर ले आती हूँ. वाओ सिंपली वाओ. प्लीज और एक बाइट खाते उसके बाद बताती हूँ कैसा है. आपको ये ब्यूटीफुल लेयर दिख रहा होगा, दिस पराठा, दिस फ्लफी एग और अंदर का जो कैप्सिकम, ग्रीन कलर का कैप्सिकम, पर्पल कलर का कैरामलाइज्ड अनियन, लुक्स wonderfully delicious, beautifully delicious. This is so good. अंडा का टेस्ट काफी फ्लफी है, काफी सॉफ्ट है, उसके साथ जो मैदा का सेवरी टेस्ट है दैट्स अमेजिंग. एंड जब आप बाइट ले रहे हो ना, द क्रंचीनेस ऑफ द अनियन एंड द कैप्सिकम इज एप्ट. लाइक कैप्सिकम में हल्का सा आपको यू नो यू विल गेट दैट फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ चिलीज, but you won't get that spicy effect in your tongue. And lastly wo jo nimbu ka taste hai, uff, adding so much more taste to the roll. Oh wow yaar, it's khatta, it's spicy. Tomato sauce nahi dala na, acha kiya, tomato sauce ke bina bahut acha lag raha. Wow, kati mirchi ka taste bahut acha raha hai. Like very easy to make, anyone can make at home. And it's a delicious meal. Super easy and super delicious meal. चलिए मैं अपना breakfast finish करती हूँ, फिर मेरे को ready होना है, office के लिए निकलना है. Ready होके मैं आपसे मिलती हूँ. Just imagine, अभी वरुण वहाँ से आ रहा है और मैं
आके इस गाड़ी को खोल रही थी सोच के कि ये मेरा गाड़ी है, पर दिस इज माई कार. यू नो व्हाट हैपेंड, आई वाज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ दैट कार. फिर मैं देखती हूँ लॉक है, वरुण नहीं है गाड़ी के अंदर. फिर मैं कहती हूँ अरे गाड़ी का तो स्ट्रक्चर भी अलग है, सैनिटाइजर अलग है, सब कुछ अलग है. फिर मैं देखिए ओ शिट ये तो मेरी गाड़ी आई है. अरे चिल्ला चिल्ला नहीं, एपिसोड 2 भी समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं. सो अभी वी आर ऑन वे टू ऑफिस, अपने को करना है अभी जाके ढेर सारा काम. अभी दो चीज़ मैं बोल देती हूँ, पापा शिव के चैनल में प्रॉन बिरयानी की रेसिपी इज लाइव, सो ऑल ऑफ यू वेयर आस्किंग फॉर द रेसिपी यू गाइस कैन गो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कुक सम डिलीशियस प्रॉन बिरयानी एट होम एंड ट्रीट योर क्लोज्ड वंस एंड देन थैंक्स अस लेटर एंड गिव टन्स ऑफ लव बैक. Well, more 13 days of work pressure, then I'll be the queen of the world. Hopefully, I will be. I'll get free from work pressure, then I'll make different content, I'll make some delicious content. वैसे मेरे पास बहुत सारे plans हैं. So after 15th of January, I'll be posting all those contents. So stay tuned to my channel and if you haven't subscribed, yes, आप लोग जो कुछ है ना जिन्होंने subscribe किया, please kindly make sure to subscribe to my channel. लाल कलर का ऐसे ही एक पॉप को पूरा हुआ subscribe करो. So it happened to be Sunday, so I need to order the food for office. So वैसे office में Sunday everyone will be eating some delicious veg thali and all, and I'm gonna order food for them. However, don't worry, I'm gonna have roll only, vegetarian roll. So let me just first order the food and then we'll catch you later. Oh, finally lunch time and I'm so damn hungry. So आप देख रहे हो इतना सारा खाना कैसे. ये मेरे ऑफिस का है लंच, आज संडे है तो हम लोग ऑफिस से लंच मिलता है. दस पराठा, दस राइस, दर पनीर, दस दाल, दस सैलेड. ये वैसे अनुज का था बट अनुज वोंट बी हैविंग. अनुज खाएगा घर का खाना, देखते हैं आज अनुज के घर का खाना क्या आया है. तो भाई इसकी बाइट, ओ भाई सैलेड रायता लुक सो टेंटिंग. मेरा फेवरेट बैंगन का भरता, चीटिंग कर लग गया चैलेंज में. मेरे को रोल खाने का मन नहीं कर रहा, इतना टेस्टी टेस्टी खाना. और वैसे भी संडे है, घर पे तो बना होगा चिकन चावल. सही है, बहुत सही है. अनुज की मिसेस खवारे इज द बेस्ट. और हम क्या खाने वाले हैं, रोल, वो भी वेजिटेरियन रोल, क्योंकि हम ऑफिस में हैं. तो ये रोल मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड फासोस, जिसका ओरिजिनल प्राइस इज 215 और जोमेटो में कुछ ट्राई न्यू ऑफर चल रहा था उसमें मेरे को पड़ा 100 rupees ऑफ, तो मेरे को ये पड़ा 116 rupees में. मैंने इस जगह के बारे में काफ़ी सुना हुआ अबाउट द प्लेस और अबाउट दिस रोल की ये काफ़ी फेमस है. सो मैंने सोचा आज रोल के चक्कर में ट्राई कर ही लेते. सो हियर वी गॉट फासोस का रोल. पैकेजिंग इज क्वाइट गुड और इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा पे किया था फॉर दिस तीखा चस्का. आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ सीजनिंग. इसके साथ वी हैव गॉट केचप. पैकेजिंग अच्छा है ना रोल का. सुना है फासोस का रोल बहुत मोटा होता है. Not bad. Looks good, यार. देखते हैं कैसे. अनुज खवारे कम बिट क्लोजर द GST एक्सपर्ट. सो ये रहा हमारा पराठा. ये पराठा एकदम घर जैसा पराठा लग रहा है. इसके अंदर है छोला का सब्जी, पनीर, पनीर की सब्जी है बिकॉज इट्स कैप्सिकम, प्याज. सो बेसिकली इस थाली में जो पनीर का सब्जी है यही पनीर का सब्जी इसके अंदर है. वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस. एंड उसके नीचे है प्याज एंड मेयोनीज एंड चटनी. इसके अंदर जो हमने मंगाया था तीखा चस्का वो हम मिला लेते हैं. इट्स पेरी पेरी. ए बाबा, पेरी पेरी का 7 rupees लिया. केचप माय फेवरेट. कमेंट बिलो जो जो केचप फैन है. आई लव केचप, आई लव 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 केचप. चलिए अब आती है टेस्टिंग की बारी. मम्मी लोग पराठा में रोल भर देती है ना सब्जी. एग्जैक्टली वैसे खाने में घर का पराठा, घर का सब्जी एकदम वैसे लग रहा है कि बच्चा लोग क्रैंकी हो जाता है. नहीं 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 खाना, नहीं खाना सब्जी पराठा, नहीं खाना तो रोल बना के दे दो. काफ़ी अच्छा है लंच के हिसाब से. इट्स गुड, लाइक इट्स गुड, इट्स वेरी टेस्टी फ्लेवरफुल. पनीर का सब्जी, छोला का सब्जी बहुत अच्छा जा रहा है. पराठा बहुत पतला है. नीचे जो हल्का सा मेयोनीज दिया ना उसके वजह से फ्लेवर बहुत चटपटा है. इट्स अ वेरी इंडियानो चटपटा रोल. मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना. हाँ छोड़ दे, तुम्हें खाएगा. देखो पता ऑफिस से निकलने के बाद मैं क्या खाऊंगी. मैं खाऊंगी मटन रोल, फिश रोल, चिकन रोल. हम देखेंगे, तुम वीडियो में देखना. चलिए मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ काम करके, फिर मैं शाम को मिलता.
गौर से देखिए इस इंसान को, ये है मिस्टर अनुज खवारे। तो देखिए भाई साहब कैसे खा रहे हैं, भाई साहब खा रहे हैं इसको रोटी की तरह। कैसे खा रहे हैं? पराठा सब्जी है। हाँ एकदम एग्जैक्टली पराठा सब्जी, ये है सही तरीका रोल खाने का, रोटी की तरह सब्जी लो और खाओ। खवारे संत्रू विद द डे, बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग मिट भैया। सो आई एम थ्रू फॉर द डे। वैसे तो लग ही नहीं रहा कि इट्स संडे और सो नाउ वी आर हेडिंग टू हैव आवर इवनिंग स्नैक्स। वी आर गोइंग टू पार्क स्ट्रीट टू हैव द वेरी फेमस काठी रोल फ्रॉम द वेरी फेमस प्लेस नोन एज कुसुम रोल। बेटा सुना क्या? काठी रोल एंड कुसुम रोल दोनों अलग जगह है, डोंट नो ओनली वैसे। क्या जगह है? काठी रोल है। हॉट काठी रोल जगह का नाम है और कुसुम रोल दूसरा है। गाइज मेरे को इतना रोल रोल का आइडिया नहीं, आई एम नॉट अ रोल पर्सन। मेरे को सिर्फ एक जगह का रोल पता है, वो है फास्ट बाइट, जिसके जो मैं डिनर में खाऊंगी झांखा। वी आर गोइंग टू हैव एट काठी रोल। अच्छा जहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क कर पाएंगे हम वहाँ खाएंगे। इधर काठी रोल या कुसुम रोल दोनों पार्क स्ट्रीट में है ना? बस दोनों पार्क स्ट्रीट में पार्क स्ट्रीट का रोल खाएंगे बस। वाओ दिस लुक्स सो गुड। पार्क स्ट्रीट इज इन इटसेल्फ अ वाइब। हां वाओ गाइस दिस लुक्स सो गुड। वाइब है थोड़ा सा साइड दे गाड़ी। वाइब है ऐसे ही ना कुछ गाना। साइक है। क्या है? साइक है। The vibe is amazing. So am I looking like a Santa Claus? Like 25th I missed, 31st I missed. I have come to celebrate Park Street on 3rd. आज हम लोग खाएंगे पार्क स्ट्रीट में क्या? रोल। रोल साला इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर और हम खाएंगे रोल। Park Street आने से you got to see Audi, you got to see BMW, you got to see good cars. अच्छा by the way गाना है Audi Yai Basingori. Do you think ये गाना इसी के ऊपर बना है? Because of the Audi गाड़ी। Audi Yai Basingori Basingori Audi Audi Audi। ओ भाई ये तो बहुत भीड़ है। Can you see my hand up here? This is me, my hand. स्पाइसी बनाइएगा हाँ, नींबू वींबू प्याज व्याज अच्छे से डालिएगा। हाँ सब कुसुम रोल इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईटरीज जहाँ का रोल इज वेरी फेमस। आप अगर कोलकाता में कभी सर्च करोगे द फेमस प्लेस टू ईट इन कोलकाता तो कुसुम रोल इज वन ऑफ द प्लेस। कुसुम रोल विल बी वन ऑफ द प्लेस इन पार्क स्ट्रीट विच सर्व्स एन अमेजिंग डिलीशियस रोल एंड फाइनली आई गॉट द चांस टू ईट हियर वन। मैंने कभी कुछ साल पहले कभी खाया होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आज खा रही हूँ एग prawn roll. This has costed me a whopping 170 rupees. Like, काफी costly है ना? Like, बहुत महंगा roll है. तो ठीक है, खा के देखते हैं. Wow. सबसे पहला bite ही spicy, tangy, sweet, मसालेदार. Onion का काफी अच्छा crunch है. I love prawns. The white. Is it prawn? It's so fleshy, it's so fresh, it's very juicy and sweet. Prawn तो ऐसे ही खा लूँ मैं. Very nice यार. एक तो इसमें वो मसाले वाला प्याज है जो prawn के मसाले में था, दूसरा ऊपर से कच्चा प्याज दिया हुआ है और मिर्ची का जो crunch आ रहा है that spiciness, because मिर्ची ज़्यादा spicy नहीं है. It's amazing. Like winter's call for all these dishes. I love. इतना मेहनत करने के बाद जब इतना अच्छा खाना मिलता है ना, यू फील लाइक हेवनली डिलीशियस। वाओ अभी मेरे को अंडा का टेस्ट आया है इसमें। लुक एट द फ्लफी एग, अंडा तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक स्पेंडिंग दिस वूपिंग अमाउंट इन रोल, दिस रोल इज वर्थ। बिट्टू भैया खा के बताएगा कैसा है, कैसा है? एक बाइट लिया हूं। दांत में कुछ लगा है? दिखा ई कर, ई ठीक है, काफ़ी क्यूट दांत है तेरा। कैसा है? इससे पहले हम लोग कभी फिश रोल खाए नहीं है,
मैं एक बार चिकन का आगे कुछ खाया नहीं। मटन में नहीं खाना? ये अच्छा है, फिश का वैसा कोई बास नहीं आ रहा। पता नहीं यहाँ पर क्या इतना आवाज कर रहा है। स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, मिंट और ये कौन सा है? ब्लूबेरी। कितने का? 20 रुपए का? बहुत महंगा नहीं है? 80 रुपए ये भैया देगा, ये देगा। उनके पास खाने टाइम लग रहा था बट ही वॉन्टेड टू हैव सो सोया चाप। वरुण खा के बताएगा पहले कैसा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट खाया, मेरे पेट में जगह नहीं है। जूम कीजिए, गौर से देखिए इस इंसान को। कैसा है? कैसा है? चिकन जैसा ही लग रहा है ना? अभी रिसेंटली चिकन एंड आलू, नहीं नहीं चिकन एंड आलू की तरह टेस्ट। हाँ अभी रिसेंटली मैंने सोया चाप खाया था, एक कौन से कैफे में खाया था रिसेंटली, तब लाइक सोया चाप रियली कुछ, जो नॉन वेजिटेरियन है वो पकड़ नहीं पाएगा कि वेज है। द सोया चाप का मीट का फिलिंग, ये है सोया चाप का मीट का फिलिंग, कोई देख के बोल ही नहीं पाएगा कि ये वेजिटेरियन है। मीट नहीं है, मीट नहीं है, मीट नहीं है, बट चिकन मीट ही लग रहा है, सलामी सॉसेज की तरह। ओ स्पाइसी है, गलत इंसान को दे दिया खाने के लिए। वाओ दिस इज डिलीशियस, बट नमक तेज है। So this is the soya chop popping out from the roll. थोड़ा नमक तेज है मेरे को, लेकिन वो प्रॉन रोल ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके अंदर क्या थोड़ा सा काशुंदी का फ्लेवर आ रहा है एंड आई पर्सनली डोंट लाइक काशुंदी। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोया चॉप रोल इज अमेजिंग। द सोया चॉप इज सो सॉफ्ट, काशुंदी नहीं होता ना तो सॉलिड था और थोड़ा नमक ठीक रहता था। बट ठीक है, नो कंप्लेंट्स, उनके पास स्टॉक खत्म था, वरुण इतना बोलने के बाद मिल गया, वही काफ़ी है। जो खाना मिल जाए, एनीथिंग, एनी फूड आइटम यू गेट टू ईट इज अ गुड फूड। हम लोग ऐसे ही करते थे बचपन में, रोल में से चिकन का पीस निकाल निकाल के खा लेते तो पराठा दे देते थे। तो मैंने सोया चाप का चाप खा लिया, बिट्टू भैया पराठा खाएगा। ये रोज़े व्यूज, वरुण का कॉलेज। डू यू मिस योर कॉलेज? ओह माय गुडनेस, वरुण का कॉलेज, काश मैं भी जेवियर्स में पढ़ती। ज़वेरियन, देखो बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता होगा ना यहाँ के। ओहो, जो भी मेरे ज़वेरियन व्यूअर्स है, देख लो अपना कॉलेज। क्या होता है ना, जब भी हम लोग पार्क स्ट्रीट आते हैं ना और वरुण जब भी सेवियर्स के पास होता है ना, ही ऑलवेज स्टार्ट स्पीकिंग। वैसे वरुण स्पीक्स वेरी लेस, बट जब भी हम पार्क स्ट्रीट आते ही टॉक्स लाइक बोलता, मैं सेवियर्स में था ना मैं ऐसा करता था, मैं जब कॉलेज में था ना मैं ऐसा करता था। सो गाइज थैंक्स, मैंने आप लोगों को सेवियर्स कॉलेज दिखा दिया। और इज इट पॉसिबल, क्या तुम मेरे को लेके जा सकते कॉलेज के अंदर? कभी पढ़ाई तो नहीं किया कॉलेज के अंदर? एक बार कैंपस दिखा देगा? व्हाट मेंबर? व्हाट मेंबर? एलुमनाई मेंबर। सो यू कैन गो एनी टाइम, प्लीज टेक मी, नो मेरा विश है सेवियर्स कॉलेज का कैंपस देखने को। जब अब बात आ रही है कॉलेज की तो बता दिया जाए, बिट्टू भैया इज फ्रॉम भगू, ही इज इन थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी जाने का। अच्छा, इन लोगों को नहीं पता ये सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये भगू से एंड थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर के एग्जाम, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर के एग्जाम देगा। ओके, सो अभी बहुत जन होंगे जो पूछेंगे सिंबुलपुरी आप किस कॉलेज से हो? इसको भगू में भरवाने के चक्कर में मैं पता कौन सा कॉलेज से थी। आई वॉज फ्रॉम महारानी काशीश्वरी चंद्र कॉलेज एंड हार्डली आई थिंक पूरा कॉलेज में आई थिंक मैं 20 बार कॉलेज गई होंगी सिर्फ एडमिशन और एग्जाम्स के चक्कर में, बिकॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड माय सीए ट्यूशंस एंड सी आर्टिकलशिप एंड फलाना ढिमकाना। नखरे क्यों कर दिया मैंनु जचरा नहीं, रीच माय फेवरेट डेस्टिनेशन, इज इट ओपन? यस, फास्ट बाइट, one of my most 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 favorite place to eat kebabs and roll, like this is the best place, best in Kolkata. Happy New Year, kaise hain aap? Aaj hum itne din baad aaye hain roll khane ke liye, my goodness, finally found the right roll that says one chicken roll up here and triple chicken roll. Ha, यहाँ का चिकन मेयोनीज रोल इज वेरी फेमस, लाइक वेरी बेस्ट। तो इसी में वो हलवा लेना है, ट्रिपल चिकन में मेयोनीज करवा ले। हाँ, ट्रिपल चिकन में मेयोनीज।
जस्ट आपका ये तोपसिया रोड है एंड दिस इज फास्ट बाइट. नाउ दिस प्लेस आई एम ईटिंग फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर रोल्स एंड कबाब बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. सो अगर आप आओ तो इनके हाथ का रोल डेफिनेटली रोली ही मेक्स कबाब्स. सो आई ही इज़ माई पर्सनल फेवरेट भैया. सो यू हैव टू कम हियर टू हैव रोल. यहाँ पर इतनी रोल की वैराइटीज है ना, यू विल गेट लॉस्ट. इन द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर रोल इज द मेयोनेज रोल विच आई जस्ट लव 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 विच वी गोना हैव नाउ एंड ग्रीन चटनी विच दे गिव. दही और धनिया पत्ता चटनी का एक कॉम्बिनेशन है विच दे पुट इट इनटू द रोल विच इज जस्ट एप. सो लेट्स सी. सो येस दिस इज द चटनी आई वॉज टॉकिंग अबाउट. आप देख सकते हैं ये दही में इनका कुछ सीक्रेट चटनी है. दिस इज वेरी टेम्पटिंग. Bittubeya ka favorite says one. So आप देखो इसमें तीन लेयर ऑफ चिकन बैटर है. ये देखिए बिट्टू भैया के पास डोरेमोन का पॉकेट है. इसमें क्या मेरा चश्मा भाई डोरेमोन. So finally after a long time I've come to my favorite place to eat my favorite roll. However मैं हमेशा यहाँ पर आके chicken mayonnaise roll खाती हूँ. But आज हम सुबह से इतना roll खा रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ different try करते हैं. Because हमने सुबह से chicken roll नहीं खाया. That's the reason we have taken chicken. We have got the triple chicken roll with mayonnaise and we have got the Szechuan chicken roll. तो सबसे पहले हम try करेंगे Szechuan chicken roll. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस ना मेरे को अच्छा लगता है इसका पराठा. इट्स सो फ्लेकी एंड ड्राई. आप देखो इतना फ्लेकी है कि कुरकुरा जो पराठा है वो गिर रहा है. तो बेसिकली इसके अंदर चिकन है, सेजवान सॉस है, कैरेमलाइज्ड अनियन है एंड कैरेमलाइज्ड कैप्सिकम है, लाइक अ टॉस्ट कैप्सिकम. दिस इज टेस्टिंग गुड. हाउएवर ज़्यादा स्पाइसी नहीं है. इट्स मीडियम स्पाइसी. दिस इज़ वन ऑफ द मतलब कैलकाटा में ऐसी बहुत कम जगह है जिसको लाइक दोज आर माई फेवरेट. दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट प्लेस. आई विल हाईली रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड एवरी वन टू कम एंड ईट एट दिस प्लेस वंस. यू विल रियली थैंक मी टन्स ऑफ टाइम. एंड द बेस्ट पार्ट पता है इनके पास सिर्फ रोल्स एंड कबाब है एंड दे सेल बैंग ऑन सेल. दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस कम्स. यू नो फोकस ऑन लिटिल थिंग्स यू गेट अचीवमेंट. Now here it comes our triple chicken mayonnaise roll. As you can see the paratha is so dry, so flaky and is roll ke andar to kafi zyada chicken hai. Honestly love this. Mayonnaise ke wajah se na halka buttery. This is tasting little buttery. Iske andar jo chicken tikka hai and Szechuan roll ke andar reshmi kabab wala piece tha. बहुत रोल हो गया. आई थिंक आज 5 किलो वजन बढ़ गया होगा मेरा. बट फास्ट बाइट का रोल के लिए दे समथिंग लाइक दिस. मैं चाहे कितना भी फुल हूँगी ना, जब भी मैं ऑफिस से यहाँ से रिटर्न करती हूँ ना, आई ऑलवेज बाई रोल. या फिर मम्मी को इसका कबाब्स बहुत पसंद है. द टंगड़ी कबाब अमेजिंग. दिस प्लेस सर्व्स द बेस्ट टंगड़ी कबाब इन कलकत्ता. यस ओके बाय वरुण. गेस करो क्या है इसमें आपका फेवरेट. मेरा फेवरेट अब बाईपास के पास से कबाब. हाँ टेंगड़ी कबाब. टेंगड़ी कबाब ईरानी टेंगड़ी कबाब माय मॉम्स फेवरेट. और एक तो देखो वेरी टेम्पटिंग गाइस. वेरी वेरी डिलीशियस. चंगेजी दिस इज सुपर अमेजिंग सुपर टेस्टी. वाओ वाह फुल प्लेट है चंगेजी कबाब. इसमें एक ग्रेवी में बनाता ये. अच्छा। सॉलिड है सॉलिड. मेरे लिए रखना, मैं आज नहीं खाऊंगी, मैं कल खाऊंगी. हाँ फाइनली द डे इज डन एंड वो हॉट. अब और कोई रोल नहीं खाने वाली. आई एम थ्रू विद द डे गाइस. कितना रोल खाऊ, सुबह से बहुत रोल खा लिया. हाउएवर मेरे को वो चिकन चंगेजी कबाब खाने का बहुत मन कर रहा है. बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डू सो तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. इस तरह का एक बटन पॉपअप हो रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट डिलीशियस या मिलीशियस वीडियो. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. जाओ रोल खाओ. बाय बाय.